इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान से 12 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान में 12 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। 2 बजे की रिपोर्ट में जयपुर में वो 8 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिस प्रकार से बीते कई दिनों से जयपुर यहां पर कोरोना का हब बना हुआ है, 12 केसेस में से 8 केसेस जयपुर में से सामने आए। 2 बजे की रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1046 पर पहुंच गई है। राजस्थान में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी सामने आ गए हैं। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर से 8 नए कोरोना पॉजिटिव। इसी के साथ दौसा, नागौर, टोंक और झुंझुनू से 1-1 पॉजिटिव सामने आया। 4 पॉजिटिव यहां से और 1 राजधानी, 8 माफ कीजिएगा, राजधानी जयपुर से। 8 और 4, कुल 12 पॉजिटिव केसेस 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में अब सामने आ गए हैं। प्रदेश भर में 1034 का जो आंकड़ा था, 1046 पर पहुंच गया है। बेहद चिंताजनक ये विषय हो चला है। राजधानी जयपुर एक बार फिर से कोरोना का हब और हॉटस्पॉट यहां पर बनकर उभर रहा है दिन ब दिन। जिस प्रकार से मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया, कुछ ही घंटों के भीतर यहां पर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। 8 नए केसेस अभी तक जयपुर से सामने आ गए हैं। 4 के अलावा दौसा, नागौर, टोंक और झुंझुनू से 1-1 पॉजिटिव सामने आया। कुल 12 केसेस 2 बजे की रिपोर्ट में। चलिए आपको फिर से लिए चलते हैं न्यूज रूम पे, जहां पर हमारे सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। लोकेश, 12 नए केसेस राजस्थान से और 8 तो जयपुर से ही हैं। इसमें से अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा कि हर घंटे यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बेहद चिंताजनक विषय हो चला है लोकेश। जी बिल्कुल, 12 नए कोरोना पॉजिटिव और सामने आए हैं और जिनमें से 8 कोरोना पॉजिटिव जयपुर से सामने आए हैं और जो वहीं से आए हैं जहां से पहले से पूरे जो मरीज सामने आ रहे थे और उसी क्षेत्रों से जो क्वारंटाइन किए गए और वहां से सैंपल लिए गए, उन्हीं में से 12 जो कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जो पहले से कोरोना पॉजिटिव मरीज के एरिए से ही लिए गए थे और उसी के साथ जयपुर में 8 आए हैं। और उसी के बाद में बात करें तो दौसा, टोंक, झुंझुनू और नागौर से 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। टोंक से लगातार कोरोना पॉजिटिव संख्या आ रही थी और वहाँ पर अब कुल 60 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। इसी तरह झुंझुनू में भी 33 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं, नागौर में 7 और जो दौसा में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं, उसी में 1 और जो कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए। इस तरह से बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें जयपुर की सबसे अधिक संख्या सामने आ रही है। लोकेश माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा अभी फिलहाल जो जिज्ञासा है वो ये जानने को लेकर है कि जिस प्रकार से कोरोना के जयपुर से आए थे यहाँ पर केसेस सामने आ रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड तो ये नहीं है? कहा जा रहा है कि उन्हीं लोगों में से ये लोग संदिग्ध जो थे पहले, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था, अपने अपने घरों से दूर थे और किसी क्षेत्र और समुदाय विशेष के ये लोग बताए जा रहे हैं, वही ये लोग अभी तक सामने आ रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं है अभी तक ये? जी देखिए, ये वही लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो इन पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में हालांकि जिस तरह से चिकित्सा विभाग और जो केंद्रीय जो चिकित्सा विभाग है उसके अनुसार अभी तक जो देश में ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग में अभी कोरोना वायरस जो आ गया हो, लेकिन जिस तरह से कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जो इन किसी के संपर्क में नहीं आए और उसके बाद में भी जो पॉजिटिव लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेडिंग का भी एक जो चांस है वो यहाँ पे नजर आ सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी तक चिकित्सा विभाग ने इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जी लोकेश, एक और चीज है, जिस प्रकार से सैंपल कलेक्शन और पहले राजधानी प्रदेश में जब प्रदेश के अंदर शुरुआती दिनों में यहाँ पर कोरोना के संदिग्ध और पॉजिटिव सामने आए, प्रदेश में सुविधा नहीं थी सैंपल टेस्ट की और उनकी जांच की, पुणे यहाँ पर रिपोर्ट भेजी जाती थी और एक दिन के बाद वो रिपोर्ट आती थी, लेकिन अब जिस प्रकार से प्रदेश भर में सुविधा यहाँ पर मुहैया है, तो क्या ये कारण है कि इतने ज्यादा मात्रा में यहाँ पर केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भर के हर जिले के पास में अब सुविधा है इस प्रकार के टेस्ट की? जी देखिए, देखिए एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजस्थान उन राज्यों में है कि बात करें तो सैंपल टेस्ट में दूसरे स्थान पर राजस्थान का नंबर आ रहा है, केरल के बाद में राजस्थान में सबसे अधिक कोरोना की जो टेस्ट है वो हुए हैं। ऐसे में जहाँ जहाँ अधिक कोरोना के जो टेस्ट हुए हैं वहीं पर अधिक संख्या में कोरोना जो पॉजिटिव की संख्या है वो सामने आ रही है। हालांकि जिस तरह से चिकित्सा विभाग ने उत्तर प्रदेश से तुलना की थी कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है लेकिन वहाँ पर सैंपल टेस्ट बहुत ही कम हुए हैं, ऐसे वहाँ पर पॉजिटिव के
जो संख्या है वो सामने नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से जयपुर में पॉजिटिव की संख्या अधिक सामने आ रही, उसका जो एक परिणाम ये कि अधिक से अधिक जो सैंपल टेस्ट हो रहे हैं उसी की वजह से ही इनकी जो संदिग्ध जो पॉजिटिव मरीज है वो सामने आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात कही जा सकती है कि उनका जो चिन्हित हो रहे हैं और उसी के बाद में उनको इलाज के लिए भेजा जा रहा है, ताकि इस संक्रमण को अधिक से अधिक रोकने की यह एक कोशिश चिकित्सा विभाग की कही जा सकती है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद लोकेश। आपको प्रदेश भर से हम कोरोना की ताजा अपडेट दे रहे हैं। 1046 का आंकड़ा यहाँ पर कोरोना का संक्रमित मरीजों का प्रदेश भर से पार कर चुका है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।